तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं वह एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसे आप पीजी भी बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, उसका जो फाइनल मार्कशीट होता है एंड आपका प्रोविजनल होता है, क्या क्या मिलता है और हम लोग टोटल मार्कशीट को कैसे काउंट करते हैं, ठीक, इग्नू में। और अगर आप रेगुलर से हैं तो भी देख सकते हैं, रेगुलर का तो और ईजी होता है। तो देखिए, जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपका एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, अगर मैं बात करूं इग्नू चाहे रेगुलर, जब आपका रिजल्ट आता है, सपोज दैट मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ पे, जैसे डेट आपका रिजल्ट का लिखा रहेगा, ठीक है, जिस डेट पे आपका कंप्लीट होगा उस डेट पे कोई डेट रहता है यहाँ पे, जैसे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट का डेट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस डेट आपका रिजल्ट पब्लिश होता है उससे एक महीना के अंदर आपका जो है, एक महीना विद इन वन मंथ आपका मार्कशीट आ जाता है आपके कॉलेज में। ठीक है, अगर आप रेगुलर से हैं, और इग्नू से हैं तो आपका घर आ जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना होगा, रिजल्ट आ गया अपने आप स्पीड पोस्ट से आपका घर आ जाएगा। ठीक है, डाके आपका फोन करेगा और आपको दे देगा। अब क्या क्या मिलता है, पहला एक होता है प्रोविजनल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थाई प्रमाण पत्र। प्रोविजनल मतलब होता है अस्थाई, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। ठीक है, जब तक कि आपका मूल प्रमाण पत्र जो कि कॉन्वेकेशन बोलते हैं, दीक्षांत समारोह, जब तक दीक्षांत समारोह में आप मूल प्रमाण पत्र नहीं ले लेते हैं तब तक के लिए आपका काम देगा। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र के स्थान पे प्रोविजनल, चाहे 10th का प्रोविजनल हो, चाहे 12th का, चाहे ग्रेजुएशन का, चाहे पीजी का, ठीक है, चाहे पीएचडी का। अब देख लेते हैं, एक होता है आपका मार्कशीट, मार्कशीट जिसमें आपका मार्क्स शो करता है। ठीक है, तो ये प्रोविजनल का काम बस इतना ही होता है कि जब आपका कहीं पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कहीं पे जहां पे ओरिजिनल प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाता है, मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे आपको ये प्रोविजनल शो करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ चीजें लिखे होती है, जैसे कि दिस इज टू सर्टिफिकेट दैट मिस्टर सागर साव, ये मेरा नाम है, मेरा है, ठीक है, इसी साल मेरा कंप्लीट हुआ है। और ये आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है इग्नू में, और अगर आप रेगुलर से करते हैं तो आपका रोल नंबर होता है। ठीक है, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक प्रशासन से मैंने पीजी किया इसका सर्टिफिकेट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैलिड टिल द ओरिजिनल इज इशू एट द नेक्स्ट कॉन्वोकेशन, जब तक कि अगला दीक्षांत समारोह नहीं हो जाता है तब तक के लिए यह वैलिड है। ठीक है, ओरिजिनल के स्थान पे, मूल प्रमाण पत्र के स्थान पे, समझ गए। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा इसका काम बस इतना ही होता है कि फॉर्म वगैरह में जो मूल प्रमाण पत्र रहेगा उसके स्थान पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्रोविजनल का। अब देखते हैं, तो एक मार्कशीट होता है जनरल, जो आपका रेगुलर कोर्स रहेगा उसमें आपका मार्कशीट सभी को एड करके दिया जाता है। ठीक है, चारों सेमेस्टर का, तीन को सेमेस्टर का तो आता ही है, चौथे में सबका ऐड करके दे दिया जाता है, और इग्नू में भी आपको सबका ऐड करके दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रोग्राम कोड रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा, फिर नेम रहेगा जिस कैंडिडेट का रहेगा, जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम रहता है सागर साहब, फिर आपका एड्रेस रहेगा पूरा। ठीक है, इधर देखते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा आपका, यहाँ पे मैंने हाइड किया है, ब्लर कर दिया है, किस डेट पे आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ। ओ देखिए, 20 सितंबर को मेरा रिजल्ट आया था, और 20 अक्टूबर से पहले अभी कितना, मतलब ये मेरा आ गया था आपका 8 अक्टूबर को ये मेरा आया था, और 20 सितंबर को मेरा रिजल्ट आया था, तो एक महीना से पहले ही आ गया था। ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, कब आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा सेशन, मीडियम मेरा हिंदी था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पूरा शुरू से ही सरकारी स्कूल से पढ़ाऊँ, तो मीडियम हिंदी ही रहेगा। नेक्स्ट आपका ओरिजिनल कोड रहेगा जहाँ से आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, और ये स्कैनर रहता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम रहता है, और ये आपके कोर्स कोड, जितने भी आपके कोर्स कोड होते हैं वो आपको यहाँ पे शो करते हैं। एक मिनट यार, इन सबको थोड़ा सा, ठीक है, कोर्स कोड ये आपके सब्जेक्ट कोड होते हैं, जैसे MPA 11, MPA 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18, और ये MPS 003 था मेरा, पॉलिटिकल साइंस का लिया था मास्टर। ठीक है, तो इन सब का फुलफॉर्म आपको मालूम ही होगा, जैसे कि मेरा में है मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPA,
और एमपीएस जैसे कि मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, वहीं पे किसी का एमएच रहता है यानी कि मास्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो सबका अपना अपना कोड दिया जाता है। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट का नाम रहता है, किस किस सब्जेक्ट का क्या नाम है। ठीक है, देन आपका ये जो सीआर है, सीआर का फुल फॉर्म होता है आपका, ये जो सीआर होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका क्रेडिट। ठीक है, सीआर मतलब क्रेडिट। और देखिए तो यहाँ पे 8 क्रेडिट का है। 8 क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट में होते हैं 25 नंबर, एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है। ठीक है, सॉरी आपका एक क्रेडिट जो है आपका, हाँ एक क्रेडिट आपका 25 नंबर का होता है। 4 क्रेडिट में आपके 100 नंबर होते हैं। ठीक है, 8 क्रेडिट में आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 क्रेडिट, 8 क्रेडिट टोटल 64 क्रेडिट का है। 64 क्रेडिट दैट मीन्स आपका इसको इंटू करना होगा, 64 क्रेडिट है 25 से इंटू करना होगा। अब देख लेते हैं इसको, उतना मतलब इसका कोई वैल्यू काम नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर देखिए, आपका सेमेस्टर लिखा रहेगा तो इग्नू में तो एनुअल होता है, ईयरली होता है, तो आपको ईयरली यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इतने हैं, सेकेंड ईयर में इतने हैं। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर में रहेंगे तो सेमेस्टर शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका ग्रेड मार्क्स इन असाइनमेंट। तो आपका एक असाइनमेंट होता है जिसको हम लोग रेगुलर में इंटरनल एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर में इंटरनल और रीजनल में असाइनमेंट बोला जाता है। तो असाइनमेंट मार्क्स 1 रहेगा। अगर आप प्रैक्टिकल किए रहेंगे तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह भी छपाया जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रैक्टिकल नहीं था तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं छपाया गया। एक मिनट यार, क्या मैसेज आ रहा है भाई इतना। चलिए इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट होता है इग्नू में, जितना भी मार्क्स आता है उसका असाइनमेंट 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और किसी किसी 50 मार्क्स का भी होता है। तो जितना मार्क्स का आपका असाइनमेंट रहेगा उसका 30% एड किया जाता है आपका मार्क्सशीट में। ठीक है, जैसे मुझे 100 मार्क्स का असाइनमेंट था, उसमें मिला था 54 या 55 मार्क्स मिला था, उसका 18 नंबर जोड़ा है 30%। अगर मैं 100 में 100 नंबर लेते आता तो मेरा असाइनमेंट का 30 नंबर जुड़ता। ठीक है, तो असाइनमेंट जितना मार्क्स का होता है, सपोज इट 100 मार्क्स का है, तो उसका 30% आपका असाइनमेंट मार्क्सशीट में जुड़ेगा, फाइनल ईयर मार्क्सशीट में। ठीक है, असाइनमेंट का 30%। और जो आप मार्क्स हासिल किए हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, एग्जाम सेंटर में एग्जाम देके, उसका 70% आपका एड किया जाता है। ठीक है, तो असाइनमेंट का 30% और फाइनल एग्जाम का 70% एड किया जाता है। सपोज दैट मेरा असाइनमेंट में 100 का 100 मार्क्स अगर आ जाता है तो मेरा यहाँ पे 30 नंबर मिलता, और एंड सेमेस्टर में मतलब मेरा 100 में 100 मार्क्स आ जाता तो उसमें 70% एड होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 100 में 100 आता तो 70, तब जाके मेरा 100 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जितना भी नंबर आया है मेरा उसका 70% यहाँ पे एड किया गया है सब सब्जेक्ट में। ठीक है, 70% टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड 30% असाइनमेंट, कुल मिला के 100% जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, असाइनमेंट 30% है, ये जो शो कर रहा है 30% ही आपका है, जितना असाइनमेंट था उसका 30%, और ये जो टर्म एंड है जितना नंबर लाए उसका 70% आपको जोड़ के यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लैब करते हैं यानी कि प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फुल मार्क्स शो करेगा, तो फुल मार्क्स 100 100 100, अगर 50 मार्क्स करेगा तो 50 50। ठीक है, कुल मिला के टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको लिखा जाता है। तो टोटल मार्क्स है हमारा कितना, 800 मार्क्स का है। ठीक, इसमें से मैंने कितने लाए हैं वो यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए ये आपका जो ओवरऑल मार्क्स है, ये ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे शो कर रहा है। ओवरऑल मार्क्स मतलब इसको भी ऐड किया गया है, आपका टर्म एंड को भी ऐड किया गया है, और ये असाइनमेंट में कितने नंबर लाए हैं इसको भी ऐड किया गया है। जैसे देखिए 0 0 0, ठीक है, फिर 9 है यहाँ पे हमारा 9, और यहाँ पे 6 9 6 15 के 5, तो 15 के 5 हाथ में 1। ठीक है, और यहाँ पे 39 प्लस 18 तो हो जाता है 58। ठीक है, मतलब 57 होता है तो एक वाला ऐड करके 58, मतलब ये दोनों को ऐड करके जो है आपका यहाँ पे 58 किया गया है। समझ रहे हैं ना, तो असाइनमेंट मार्क्स प्लस आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों को ऐड करके हमारा फाइनल मार्क्स रेडी किया जाता है 100 में से। ठीक है, अब ये आपका एमकेएस जो है, एमकेएस मतलब है आपका मार्क्स, ओबीटी मतलब ऑब्टेन, कितने आपने ऑब्टेन किया है,
CRS, ठीक है, CRS इसका मतलब होता है कोर्स स्टेटस, CRS मतलब कोर्स स्टेटस, ठीक है। और आपका है यहाँ पे STS, तो STS का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ क्या होता है, चलिए बाद में दिखा दूंगा। फिर आपका TEE, ये TEE क्या है जी, तो देखिए TEE जो है आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन TEE, और MYY का फुल फॉर्म होता है आपका मंथ ईयर, ठीक है, मंथ एंड ईयर, बस इतना इसका फुल फॉर्म होता है। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन यहाँ पे कब कब हुआ है वो आपको देख लेना है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं है, बस आपका जो मेन है ये तीन चीजें, पहला आपका असाइनमेंट मार्क्स, ठीक है, 30% और टर्म एंड 70%, ठीक है, और यहाँ पे टोटल ओवरऑल मार्क्स कितना नंबर आया, ठीक है, कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया है, कितना मार्क्स का था, इतना जानिए काफी है। और ये SC जो लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो SC का फुल फॉर्म होता है आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, S से सक्सेसफुली, C से कंप्लीट, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से आपने इसमें सफलता प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे फाइनल मार्कशीट आएगा ही नहीं, नॉट कंप्लीटेड लिखाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का साइन होता है और ये आपका स्टाम्प मारा रहता है एकदम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, ऑफलाइन तरीके से वो आपको स्टाम्प मार के भेजते हैं आपके घर पे, ठीक है। और मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये जो भी आपका रहेगा यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज शो करेगा, जैसे मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड विथ 61.76% फर्स्ट डिविजन, ठीक है, ये आपका लिख देगा जैसा रहेंगे, अगर मोर देन 60% रहेगा तो फर्स्ट डिविजन देखेगा, और मोर देन सॉरी लेस देन 60% रहेगा, 60% से कम रहेगा तो आपका सेकेंड डिविजन लिखेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे देखिए शो करेगा जो वर्ड्स थे एब्रीविएशन वर्ड, जैसे कि हैशटैग नॉट एप्लीकेबल, हैशटैग जो दिया है ना इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि नॉट एप्लीकेबल। सिटी का यहाँ पे दिया गया है क्रेडिट, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब आपको अच्छे से दिखेगा, तब से हमको बड़ा करके ही दिखाना चाहिए था यार, सॉरी। तो ये जो है आपका सिटी, सिटी का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट ट्रांसफर, GR का फुल फॉर्म होता है ग्रेड, MKS का मार्क्स, AS का असाइनमेंट, CRS एंड STS का कोर्स स्टेटस, ठीक है, SC का होता है सक्सेसफुली कंप्लीटेड, CR क्रेडिट, TEE MY इसका होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन मंथ ईयर, ठीक है, MKS मतलब मार्क्स ऑब्टेन, मैक्स मार्क्स मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, सेम मतलब सेमेस्टर, ये चीज यहाँ पे एब्रीविएशन वर्ड्स दिए गए हैं। प्रोग्राम मेथड यहाँ पे इस तरह से बताया गया है, ठीक है। देखिए आपका जो है असाइनमेंट, ये आपका 30% लिया जाता है, 30% वेटेज, और आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन ये 70% वेटेज लिया जाता है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको असाइनमेंट में भी जितना मार्क्स का होता है उसमें 40% लाना है क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम, और जो एग्जाम होता है टर्म एंड इसमें भी आपको 40% लाना होता है मिनिमम, ठीक है, और ऑल ओवर में भी 40% लाना होता है तब आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया स्कीम ऑफ अवार्ड डिवीजन, तो देखिए अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो 60% या अबव लाना होगा तब आप फर्स्ट डिवीजन होंगे, सेकंड डिवीजन 50 से 59% अगर आप लाते हैं तो आप सेकंड डिवीजन है, ठीक है, और थर्ड डिवीजन यहाँ पे नहीं रखा गया, पास रखा गया है, अगर आप 40 से 40.99 लाते हैं तो आप यहाँ पे पास माने जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स आप थर्ड डिवीजन है, ठीक है, और 40% से बिलो है तो फिर आप फेल है भाई, ठीक है। तो ये है इस टाइप से, मतलब इग्नू में ना बहुत लिखिएगा, मैं पूरा पेज लिख के भर देता था और बोल्ड बोल्ड करके लिखता था, पूरा हाईलाइट करके लिखता था, उसके बाद भी इतना कम मार्क्स में आ गया कि क्या बताएं, मतलब इतना रेगुलर में लिखते हैं तो पक्का है आप, मेरा जो है 60 की जगह पे 70+ ही मार्क्स आता है, ठीक है, तो मतलब ये 10% जो है आपका मार्क्स कम कर देता है, जितना आप रेगुलर में हासिल कर सकते हैं उससे 10% मार्क्स ये कम कर देता है। मेहनत की बात करें तो इग्नू में हालत टाइट कर देगा, ठीक है, मतलब
रेगुलर में जितना आपको मार्क्स मिलता है उससे कम ही मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, और पढ़ना भी पड़ता है ठीक है। रेगुलर में ये नहीं कि वहाँ पे तो आपको प्रैक्टिकल भी मिलता है, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई इंटरनल नहीं ठीक है। ये असाइनमेंट जो होता है यही आपका इंटरनल है और मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। चलिए जो भी है, लेकिन इग्नू आजकल के ज़माने में बहुत अच्छा बन गया है अदर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको डिले नहीं होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा लेट कर देती हैं ठीक है। और अगर आप काम के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। एंड इसी तरह से आपका भी, अगर आप चेक कर रहे होंगे तो आपका भी इसी तरह से काउंट किया जाएगा ठीक है। आप यूजी पीजी कर सकते हैं, यूजी भी करना चाहते हैं तो 3 साल का होता है, साल में 3 बार एग्जाम देना होता है। और हाँ, इसके बाद फाइनल जो मूल प्रमाण पत्र है वो कैसे पाएंगे, तो देखिए साल में 2 बार इग्नू का कॉन्वोकेशन होता है, यानी कि दीक्षांत समारोह, जिसको हम लोग हिंदी में ठेठ भाषा में बोल रहे हैं तो विदाई समारोह ठीक है। विदाई समारोह इग्नू में 2 बार होता है साल में, एक होता है दिसंबर के टाइम में और एक होता है आपका जून जुलाई के टाइम में होता है ठीक है। जून के टाइम में होता है और एक दिसंबर के टाइम में होता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो उस टाइम पे आपको कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरना होगा, 500 या 600 रुपया है उस टाइम पे। और आपको फिर अवार्ड, अगर आप टॉप करते हैं पूरे के पूरे अपने सब्जेक्ट में, तो आपको गोल्डन अवार्ड भी दिया जाता है ठीक है, और मेडल वगैरह भी मिलता है। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर भी आपको आपका जो है मूल प्रमाण पत्र तुरंत दे दिया जाता है। और वो कौन देते हैं, वो आपके देते हैं कोई बहुत बड़े, जैसे जनरली आपको जो है भारत के राष्ट्रपति ही देते हैं ठीक है। चलिए तो बस ये था, आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका सर्टिफिकेट आपको कॉन्वोकेशन में ही मिलेगा ठीक है। कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और अगर आप कॉन्वोकेशन में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि आपका कॉन्वोकेशन होगा जहां पर भी, वहां पर अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आपका कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरने के बाद अगर आप शामिल नहीं होइएगा तो आपका ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र है अपने आप घर पहुंचा दिया जाएगा ठीक है, अपने आप स्पीड पोस्ट से। तो ये था प्रोसेस, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा है, चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।